बच्चों, कल हमने कंजम्पशन फंक्शन की बात की थी, ठीक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टॉपिक को। हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, जो कि ये बताता है कि फंक्शनल रिलेशन, कंजम्पशन और इनकम में फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। मैंने आपको इसका एक इक्वेशन भी बताया कंजम्पशन का, वो आपको ध्यान रखना है बच्चा। और आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन के, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन ही है। कंजम्पशन फंक्शन में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी का मतलब मैंने बताया था आपको डिजायर, डिजायर टू कंज्यूम, यानी कि जब कभी आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कितना कंजम्पशन पे खर्च करने की इच्छा रखते हैं, कितनी आपकी डिजायर होती है कंजम्पशन पे खर्च करने की, ठीक है। तो बेटा टॉपिक का नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चल क्या रहा है हमारा, वही कंजम्पशन फंक्शन। इस कंजम्पशन फंक्शन में हमारा टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा ये हमारा एपिसोड नंबर 4 है, इससे पहले हमने 3 एपिसोड डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले मीनिंग देखिएगा बच्चा, इट इज द डिजायर टू कंज्यूम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे आपकी कितनी कितनी डिजायर है पैसा खर्च करने की, उसे हम लोग कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और कितने टाइप की प्रोपेंसिटी होती है, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी। बेटा देखिएगा, प्रोपेंसिटी 2 टाइप की होती है। एक होता है एपीसी, एपीसी बोले तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बड़े मजेदार टॉपिक है, पूरे प्रैक्टिकल टॉपिक है भाई। दूसरा है एमपीसी, एमपीसी बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अच्छा ये दोनों टॉपिक्स इसमें आएगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, कि आप अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे कितना कितना पैसा खर्च करने की इच्छा रखते हैं। 2 टाइप की प्रोपेंसिटी होती है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है एवरेजली आप अपनी इनकम में से, 1 रुपए की इनकम में से आप एवरेजली कितना पैसा खर्च करते हैं। सपोज मैं ये कहूं कि मेरी इनकम 50,000 रुपए पर मंथ है, अब मैं उसमें से 30,000 पर मंथ जो है वो पैसा खर्च करता हूँ एवरेजली, मतलब इवनली। जैसे मैं आपको एक सपोज करके बोलूं, 50,000 मंथ का इनकम, तो साल का कितना 6 लाख, तो 6 लाख में से आप सपोज कीजिए मैं 30,000 पर मंथ खर्च करता हूँ, ठीक है। तो बेटा 30,000 के अकॉर्डिंग 60% मेरी इनकम हो गई, 60% मेरा कंजम्पशन हो गया, तो 30,000 रुपए में हर महीने खर्च करता हूँ एवरेजली। ऐसा नहीं कि किसी हर साल हर महीने 30,000 ही करता हूँ, किसी महीने 32,000 कर दिया, किसी महीने 28,000 कर दिया, किसी महीने 30,000 कर दिया, किसी महीने 26,000 कर दिया, किसी महीने 34,000 कर दिया। तो एवरेज हो करके जब मैं साल का खर्चा निकालता हूँ तो 6 लाख रुपए में से हर महीने 30,000, मतलब साल का 3,60,000 रुपए मेरा खर्चा होता है। 6 लाख में से 3,60 खर्चा होता है, तो मैं ये कहूंगा ना एवरेजली मैं मेरी इनकम का 60% खर्च करता हूँ। तो बेटा 60% बोलू या मैं 1 रुपए में से 60 पैसा बोलूं, बात तो एक ही, 0.60 बोलूं, बात तो एक ही है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बताता है आप अपनी 1 रुपए की इनकम में से एवरेजली कितने रुपए खर्च करते हैं एवरेजली। और एमपीसी ये बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि मेरी इनकम 50,000 थी पहले, अब मेरी 50 से बढ़कर के 55 हो गई इनकम, 5,000 रुपए मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो गई, तो उस एक्स्ट्रा इनकम में से मैं कितने रुपए खर्च कर रहा हूं। अब एक्स्ट्रा इनकम भी जब एमपीसी बात करते हैं ना, तो 1 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम में से मैं कितना रुपया खर्च कर रहा हूं। सपोज 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हुई,
उस 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम में से मैंने 1,000 रुपए खर्च किए, 1,000 रुपए कितना हुआ 20%। तो बेटा 20% बोलूं या हर 1 रुपए की एडिशनल इनकम में से 20 पैसा बोलूं, बात तो एक ही है। तो एमपीसी हमें बताता है कि 1 रुपए की एडिशनल इनकम से, 1 रुपए की एडिशनल इनकम से हम एक्स्ट्रा कितना पैसा खर्च करते हैं, वो कहलाता है एमपीसी। ठीक है, समझ आ गया बच्चा? ओके। तो बेटा इन दोनों चीजों को मैं लिखूंगा अभी आपके सामने, एपीसी और एमपीसी को। तो बेटा मैं पहले एपीसी लिखूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा कैसे, पहले एपीसी का मीनिंग क्या है, फिर एपीसी का स्केड्यूल और एपीसी के फीचर्स। ठीक है, डायग्राम नहीं होता बच्चा इसमें। वैसे ही एमपीसी का मीनिंग, एमपीसी का स्केड्यूल और एमपीसी के फीचर्स, इस तरीके से आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो आज के टॉपिक्स ये दोनों ही होने वाले हैं बच्चा। मैं पहले एपीसी लिखूंगा, मैं बाकी सब रफ करूंगा। एक बार आप एसएस ले लीजिए बच्चा, मीनिंग और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी का एसएस ले लो। देखिएगा मैं लिख रहा हूं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूलाज भी है बच्चा इसके, बड़ा मजा आएगा इसको समझने में, और आप पेशेंस रखिएगा, सारे टॉपिक्स धीरे धीरे समझ आ जाएंगे। देखिए इसका फर्स्ट टाइप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग ऐसा लिखा जाता है, मीनिंग कैसे लिखा जाता है देखिएगा, इट इज द रेशो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन बोले तो सी, एंड टोटल इनकम बोले तो ब्रैकेट में वाई। At a given level of income, in of the economy, देखिएगा बच्चा रेशियो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का, तो मैं आपको एपीसी का फॉर्मूला बना करके दे रहा हूं, कंजम्पशन अपॉन इनकम, सी बोले तो टोटल कंजम्पशन और वाई बोले तो टोटल इनकम। इस तरीके से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला जाता है। अच्छा एपीसी का आंसर किस में आएगा बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में ही इसका आंसर वेरी करेगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आएगा। मीनिंग समझ आ गया होगा बच्चा आपको। एपीसी का स्केड्यूल की बात करेंगे हम लोग। स्केड्यूल मतलब समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकम, दैट इज वाई मैं इनकम को ले रहा हूँ 0 से लेके, इसको मैं 40 तक में ही समझा दूंगा आपको। ठीक है, और मैं इधर ले रहा हूँ कंजम्पशन, कंजम्पशन मैंने आपको बताया था मैं 10 से ले सकता था, मैं 15 से ले रहा हूँ, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, अगर आप इसका एपीसी कैलकुलेट करेंगे, एपीसी दैट इज कंजम्पशन अपॉन इनकम, तो बेटा आपका जो फर्स्ट आएगा 15 डिवाइडेड बाय 0, तो बेटा जब भी कभी किसी को 0 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नहीं नहीं एपीसी का आंसर 0 से 1 के बीच में वैरी नहीं करेगा बच्चा, एपीसी का आंसर आ सकता है 0 से ज्यादा भी आ सकता है, एमपीसी का 0 से 1 के बीच में वैरी करेगा, ये ध्यान रखना ना। ये आएगा इनफाइनाइट, फिर 20 अपॉन 10 तो 2, 25 अपॉन 30 तो ये आएगा आपका 1.25, 30 अपॉन 30 आएगा 1, और 35 डिवाइडेड बाय 40 आएगा 0.875। तो आपने क्या देखा इसमें, जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे एपीसी गिरता गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे एपीसी गिरता गया, नंबर एक ऑब्जर्वेशन, नंबर एक फीचर इसका। दूसरा फीचर, जब जब तक जरा देखिएगा, जब तक इनकम लेस देन है कंजम्पशन से, जब तक ये वाला इनकम यहाँ पे लेस देन है कंजम्पशन से, ये दूसरा फीचर, जब तक इनकम लेस देन है कंजम्पशन से एपीसी
एपीसी इज ग्रेटर देन वन, दिख रहा है क्या? जब इनकम बराबर है कंजम्पशन के, थर्ड वाला लेवल, तो वहां पे एपीसी इज इक्वल्स टू वन। और जब आपकी इनकम ग्रेटर देन आ जाती है कंजम्पशन से 40 वाले लेवल पे, तो एपीसी विल बी लेस देन वन। समझे क्या इसके चार फीचर्स? फर्स्ट फीचर क्या बताया मैंने इसका, पहला फीचर इसका क्या बताया, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, फीचर्स तो मैं वैसे यहां लिखवाऊंगा आपको, देखिएगा। फीचर्स ऑफ एपीसी, एज इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्रीजेस, पहला। दूसरा, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन देन एपीसी विल बी ग्रेटर देन वन, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन देन एपीसी इज इक्वल टू वन, फोर्थ, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन एपीसी विल बी लेस देन वन। ये फीचर्स कितने बच्चों को बैठ गए दिमाग में? देखो ऑरली फीचर्स हमने कर लिए इसके, बहुत ऑरली फीचर्स कर लिए हमने। एक पॉइंट और लिखवाऊंगा फीचर का, एक बार स्केड्यूल अगर आपने लिख दिया हो तो हम आगे चले। एक सेकंड से रेसेस ले ले। ठीक है, एसएस ले लिया होगा बच्चा आपने। मैं यहां से, अच्छा इस फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा पूरा कर दूं, एज इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्रीजेस, क्यों? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी गिरेगा, बिकॉज जब कंजम्पशन जो है वो सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ती है। तो ऐसे लिखा जाता है, एज इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्रीजेस और एपीसी फॉल्स बिकॉज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन डिक्रीजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन के ऊपर उतना प्रपोर्शन खर्च नहीं होता जितनी जितनी इनकम बढ़ती है। ठीक है, ये मैं क्लियर करता हूं अभी, मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब लास्ट एक फिफ्थ पॉइंट और लिखना है, स्केड्यूल में यहां से हटा रहा हूं। लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट फीचर का, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, क्यों? Because consumption is never zero. Consumption is never equals to zero at any level of income. आपको पता है जब आपकी इनकम जीरो भी होती है ना, जीरो, तब भी आपका जो कंजम्पशन है वो मिनिमम कुछ ना कुछ रहता है, जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है। तो बच्चा ये पांच फीचर्स एपीसी के कंप्लीट होते हैं, इसे आप आराम से एसएस ले लीजिए। हमारा एपीसी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे एमपीसी वाले टॉपिक पे। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे हम लोग। इसके बाद आते हैं हम लोग एमपीसी की तरफ। वैसे एमपीसी का मीनिंग क्या होगा लिखते हैं, समझते हैं दोनों चीजों को। सेकंड इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है? सबसे पहले इसका मीनिंग ये कहता है, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन टू change in consumption to change in income, change in y, समझ में? ये AC नहीं है, ये change का sign है,
चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम. मैं अच्छा इसका फॉर्मूला आपको बता दूं, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. एग्जाम्पल से समझा देता हूं, समझिएगा. मान लीजिए ये आपकी इनकम है और ये आपका कंजम्पशन है. जब आपकी इनकम 100 थी, आपका कंजम्पशन 70 था, जब आपका इनकम 20 से बढ़ गई तो आपका कंजम्पशन 10 से बढ़ गया. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कंजम्पशन कितना बदला 10 से, इनकम कितनी बदली 20 से, तो 0.5 आएगा. ठीक है, एमपीसी मतलब हर एक रुपए में से, हर एक रुपए की एक्स्ट्रा इनकम में से हम 50 पैसे खर्च करते हैं. मैं इसको मेरी लैंग्वेज में भी लिखवाऊंगा बच्चा, और करके जो मैं इसका मीनिंग लिखवाऊंगा मेरे वर्ड्स में, आउट ऑफ 1 रुपी ऑफ एडिशनल इनकम द अमाउंट स्पेंड ऑन कंजम्पशन is known as MPC. आप इसको ये इन अदर वर्ड्स करके डेफिनेशन लिख दीजिए, इन अदर वर्ड्स करके इसका मीनिंग. ये भाई कहीं बुक में नहीं लिखी हुई है, ये मैंने ही बनाया है कि एक रुपए की एक्स्ट्रा इनकम में से हमने जो पैसा खर्च किया है उसे हम लोग कहते हैं एमपीसी. आई होप आप लोगों को यहां तक तो क्लियर हो गया होगा बच्चा. अगर ये क्लियर हो गया है तो हम इसके स्केड्यूल और डायग्राम की तरफ चले. चले बच्चा, चलिए स्केड्यूल और डायग्राम की तरफ चलते हैं हम इसके. स्केड्यूल देखिए कैसे बनाते हैं इसका. बहुत सिंपल है बेटा स्केड्यूल बनाना, सेम वैसे ही जैसे अभी आपने कंजम्पशन और इनकम लिखा था ना, बस वैसे ही आपको चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम निकालना पड़ेगा. देखिएगा हम आपको ऑलमोस्ट सेम पूरे चैप्टर में सेम एक ही टाइप का आपको ये बनाना है, इनकम कंजम्पशन लेट अस सी. अब निकालना है चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन और फिर एमपीसी लेट अस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. 0, 10, 20, 30, 40 कंजम्पशन इज 15, 20, 25, 30, 35 चेंज इन कंजम्पशन फर्स्ट लेवल पे डैश, इसमें भी डैश. 0 से 10 हुआ, कितना बदला 10. कैसे निकालते हैं चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम? सेकंड लेवल पे जो इनकम थी उसमें से फर्स्ट लेवल की इनकम लेस कर दो, नेक्स्ट में से बैक वाली लेस कर दो. 10 - 0 = 10, 20 - 10 = 10, 30 - 20 = 10, 40 - 30 = 10. चेंज इन कंजम्पशन फर्स्ट पे डैश, सेकंड पे 20 - 15 = 5, 25 - 20 = 5, 30 - 25 = 5, 35 - 30 = 5. सब में सेम सेम. तो बेटा एमपीसी फर्स्ट पे डैश, सेकंड पे 10/5 दैट इज 2, सॉरी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन में 5/10 0.2 0.5, सेम 5/10 0.5, सेम 0.5 0.5. तो बेटा एमपीसी हमारा कांस्टेंट आया इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इन दोनों के बीच के गैप हमने कांस्टेंट रखे. अगर मैं इस गैप को चेंज कर देता कंजम्पशन एमपीसी बदल जाता. ठीक है, एक बार स्केड्यूल लिखिए, इसके हम लोग फीचर्स पे आते हैं. मतलब एसएस ले लो बच्चा इसका. चलिए सुनिएगा इसका स्केड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया. अच्छा फीचर्स देखना, मैं एक बार ऑरली बोलता हूं, यहां पर इसके फीचर्स में लिखता हूं, कोशिश करता हूं शॉर्ट में फीचर्स लिखने की. एमपीसी का जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में आएगा. एमपीसी द वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज लाय बिटवीन 0 and 1. ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगा. नंबर टू, आपको दिख नहीं रहा होगा ना थोड़ा सा, चलिए मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा कैमरे का फेस. आप दिख रहा है बच्चा?
सेकंड पॉइंट इज सुनना, एमपीसी का ये आपको समझना है कि एमपीसी मतलब एक्स्ट्रा इनकम में से एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया। अब मान लीजिए इफ एंटायर एडिशनल इनकम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन वाई, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, मतलब मान लीजिए जितना भी हमने एक्स्ट्रा पैसा अर्न किया वो सारा का सारा खर्च कर दिया, तो एमपीसी का वैल्यू क्या आएगा, एमपीसी का वैल्यू आएगा वन, क्योंकि चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई दोनों सेम। अगर ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 अगर मैं करता, 10 10 दोनों का गैप होता तो आंसर आपका 1 आता। तो ये कहता है अगर एक्स्ट्रा जितनी आपकी इनकम हुई अगर आपने सारा का सारा खर्च कर दिया बेटा, तो उसका आंसर आपका एमपीसी में क्या आएगा, 1 आएगा। तीसरा पॉइंट, अगर एक्स्ट्रा जितनी इनकम है आपकी, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, इफ एंटायर एडिशनल इनकम ब्रैकेट में y इज सेव्ड, तो एमपीसी का आंसर क्या आएगा, 0, कंजम्पशन कुछ किया ही नहीं, कंजम्पशन आपका 0 0 0, तो ये 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे एक बार इतना सा नोट करो, मुझे फिर ये दो ये रफ करना, ये हटाना है। देखिए वैसे तो स्केड्यूल आपने कर लिया है, स्केड्यूल में हटा देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लेते रहना बेटा साथ साथ में। इसके बाद जो थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है, समझ रहा, रिच पीपल की केस में एमपीसी लो होता है, एमपीसी इज लो फॉर रिच पीपल एंड हाई इन केस ऑफ पुअर पीपल, समझा। अगर गरीब लोगों की थोड़ी सी इनकम बढ़ती है, अगर गरीब लोगों की थोड़ी सी इनकम बढ़ती है तो वो उस इनकम को खर्च करते हैं, मतलब ज्यादा खर्च करते हैं। सपोज कोई बंदा है जिसका सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है और उसका इंक्रीमेंट हो जाए, उसका जॉब प्रमोशन हो जाए, उसको 15,000 मिलने लगे, तो बेटा 5,000 जैसे ही बढ़ता है वो नया मोबाइल ले लेगा, गाड़ी ले लेगा। तो जो पुअर पीपल है उनके अगर इनकम एक्स्ट्रा होती है तो उस पर ज्यादा खर्च करते हैं तो एमपीसी ज्यादा आएगा। लेकिन अमीर लोगों के पास तो ऑलरेडी सारी चीजें होती है, उनकी तो सारी नीड्स ऑलरेडी फुलफिल्ड होती है, तो अगर अमीर लोगों की इनकम बढ़ती भी है ना तो उनके खर्चों पर कोई असर नहीं पड़ता, खर्चे वो वैसे लग्जरी कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो बेटा अमीर लोगों का एमपीसी लो रहता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपनी नीड की सारी चीजें होती हैं, और पुअर पीपल का एमपीसी हाई होता है। सेम वैसे ही जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनका एमपीसी ज्यादा होता है, एमपीसी इज हाई फॉर लेस डेवलप्ड कंट्री या लेस या अंडर डेवलप्ड लाइक इंडिया कंट्रीज एंड is MPC is low for developed countries। बेटा जो कंट्रियां डेवलप हो चुकी है लाइक अमेरिका, चाइना, जापान, इन सारी कंट्रीज का MPC कम आता है। अगर इन कंट्रीज का बेटा इनकम बढ़ता भी है तो इनका कंजम्पशन पे पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप है, इनके लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज की नीड नहीं है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, नेपाल जैसा कंट्री जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, बेटा उन कंट्रीज का एमपीसी जो है वो हाई होता है क्योंकि जैसे ही इन कंट्रीज की इनकम एक्स्ट्रा इनकम बढ़ती है तो इनका डेवलपमेंट एक्टिविटी के ऊपर खर्चा भी बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो एमपीसी इज हाई फॉर लेस और अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड एमपीसी इज लो फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, दैट्स इट, कंप्लीट। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चा। आपका होमवर्क होगा आप एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस पढ़ें, और अगर कहीं अटके तो मेरे से कल पूछे, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है बच्चा, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। जस्ट इसके बाद अकाउंट्स का कनेक्शन है, सेम 5:45। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अब वो